हेलो स्टूडेंट्स, अपना गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है लोकेंद्र राजावत और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे नवोदय बैच के चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 2 में हम कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं उसका एक ओवरव्यू मैंने बोर्ड पे लिखा है, पहले हम उसको देख लेते हैं, उसके बाद में हम हमारा लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेकिन अभी तक अगर आप लोगों ने हमारा लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है तो पहले जाके आप फर्स्ट लेक्चर को देखिए, उसके बाद में आप लेक्चर नंबर 2 को देखना स्टार्ट कीजिए। इसके साथ ही अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए पहले हम ओवरव्यू देख लेते हैं। तो आज के लेक्चर में हम 3 टॉपिक्स को मेजर कवर करने वाले हैं, साथ में कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। तो हमारे 3 टॉपिक्स होने वाले हैं। एक तो हम फ्रैक्शंस को पढ़ेंगे। वैसे तो आप लोगों ने 6th और 7th क्लास में भी फ्रैक्शंस पढ़ा होगा, यहाँ हम ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, केवल फ्रैक्शंस का एक सिंपल डेफिनेशन देखेंगे और एक दो एग्जांपल से उसको समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद में हमारा जो टॉपिक होगा इंट्रोडक्शन टू रैशनल नंबर्स, यानी हम रैशनल नंबर्स को पढ़ेंगे कि रैशनल नंबर होते क्या है, कौन कौन से एग्जाम्पल्स हम देख एग्जाम्पल्स को भी हम लोग रैशनल नंबर एग्जाम्पल से भी हम रैशनल नंबर को समझने की कोशिश करेंगे। इसके साथ ही हमारा जो लास्ट टॉपिक होगा वो होगा इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स। तो इन टॉपिक्स को हम इस वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा सबसे पहला जो टॉपिक है वो है फ्रैक्शंस क्या होते हैं। तो देखो फ्रैक्शन का सिंपल मीनिंग क्या होता है, मैं आप लोगों को यहाँ एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे ये हमारे पास एक पूरा पेपर है, होल है, होल यानी पूरा कंप्लीट है। इसमें से हमने क्या किया, एक ये छोटा सा पार्ट काट लिया। तो ये क्या है, एक पार्ट है किसका, इस पूरे पेपर का, इस पूरे वाले एरिया का एक छोटा सा पार्ट हमने ले लिया। ये पेपर हो सकता है, कुछ और भी चीज़ हो सकती है। तो ये जो पार्ट होगा यही क्या कहलाता है, एक फ्रैक्शन कहलाता है। तो फ्रैक्शन का सिंपल मतलब होता है किसी कंप्लीट चीज का एक छोटा सा पार्ट, वो क्या कहलाता है, फ्रैक्शन। तो मैंने लिख भी दिया है, फ्रैक्शन का मतलब होता है पार्ट ऑफ होल, होल का मतलब कंप्लीट, पूरा। तो पूरी चीज का कोई पार्ट होता है वो क्या होता है, फ्रैक्शन होता है। तो इसका सिंपल मतलब ये होता है फ्रैक्शंस को क्या किया जाता है, ए बाई बी टाइप से रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ ए को न्यूमरेटर पढ़ा जाता है और बी को डिनोमिनेटर पढ़ा जाता है। इसको पढ़ेंगे कैसे, ए बाई बी या ए अपॉन बी। यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये दोनों कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान से देखना कि यहाँ ए और बी क्या है। यहाँ ए और बी है पॉजिटिव इंटीजर्स। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा है पॉजिटिव इंटीजर्स को क्या करते हैं, आई प्लस या जेड प्लस से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये पॉजिटिव नंबर्स होने चाहिए, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5 इनमें से कोई नंबर होना चाहिए। साथ में जो डिनोमिनेटर है ये कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। आगे किसी लेक्चर में आप लोगों को बताऊंगा हम लोग जीरो से डिनोमिनेटर मतलब कि जीरो से डिवाइड क्यों नहीं करते या डिनोमिनेटर में कभी भी जीरो क्यों नहीं रखते हैं। एक्चुअल में जब हम जीरो डिनोमिनेटर में रखते हैं तो इसका जो आंसर आता है वो नॉट डिफाइंड हो जाता है, इनफाइनाइट हो जाता है। तो हम बोलेंगे कि इसलिए हमने कंडीशन शुरू में ही फिक्स कर दी है कि डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए और ए और बी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। तो हम क्या बोलेंगे कि वो जो नंबर बनेगा ए बाई बी टाइप का वो क्या कहलाएगा, एक फ्रैक्शन होगा। एक चीज़ और मैंने अभी बताई कि ए और बी दोनों पॉजिटिव है तो जो फ्रैक्शंस होंगे वो हमेशा क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। इसका मतलब फ्रैक्शन कभी की वैल्यू कभी भी नेगेटिव में नहीं होगी। जैसे कभी नहीं बोल सकते कि ये टुकड़ा -1/2 टुकड़ा है, तो इसका कोई सेंस नहीं है। तो एक चीज़ ध्यान रखना, फ्रैक्शंस हमेशा पॉजिटिव होते हैं। इसके साथ ही देखो एग्जाम्पल यहाँ लिख रखे हैं, जैसे 5/2, 1/3, 7/11। तो इन तीनों के अंदर देखो ए बाई बी टाइप का है, ए और बी दोनों के दोनों पॉजिटिव भी दिख रहे होंगे आप लोगों को। इसके साथ ही डिनोमिनेटर किसी का भी जीरो नहीं है। तो ये तीनों किसके एग्जांपल है, फ्रैक्शंस के एग्जांपल है। आई होप आप लोगों को फ्रैक्शन का मतलब समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे 3 मेजर टाइप के फ्रैक्शंस हैं जिनको हम यूज करते हैं, वो भी हम एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहला है प्रॉपर फ्रैक्शन। अब प्रॉपर फ्रैक्शन किसको बोलते हैं, तो प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब होता है कि अगर किसी फ्रैक्शन का न्यूमिरेटर, एन मतलब न्यूमिरेटर, छोटा हो और डिनोमिनेटर क्या हो, बड़ा हो, तो ऐसा फ्रैक्शन क्या कहलाता है, प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है। तो जैसे 2/3, तो यहाँ पे देखो 2 क्या है, छोटा है, सॉरी 2/5, तो 2 क्या है, छोटा है, 5 बड़ा है, तो ये क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, न्यूमिरेटर बड़ा हो जाता है और डिनोमिनेटर छोटा हो जाता है। तो यहाँ क्या है देखो 5/3, तो यहाँ आप लोगों को दिख रहा होगा न्यूमिरेटर 5 क्या है, 3 से
बड़ा है, तो ये किसका एग्जांपल है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को एक तरीके से और लिखा जाता है, जिसको क्या बोला जाता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या होगा, जैसे इसी को क्या करेंगे हम 3 से डिवाइड करें, तो कितना 1 टाइम डिवाइड होगा, 3 होगा, माइनस 2 करना पड़ेगा। अब इसी को हम क्या करेंगे, जो एक्चुअल में 5/3 था, इसको हमने सोल्व करके अब इसको कैसे लिखा जा सकता, 1 and 2/3, यानी जो रिमाइंडर आएगा उसको तो यहां लिखेंगे हम लोग, जो भी हमारा क्वेश्चन आएगा यानी जो रिजल्ट आया था उसको यहां लिखेंगे, और जिससे डिवाइड किया था वो डिवाइजर कहां लिखा जाएगा, यहां लिखा जाएगा। तो ये हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को किसमें कन्वर्ट कर लिया, मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में दो चीजें होती है, जैसे कि ये है 5 and 2/3, तो ये 5 वाला पार्ट तो होल नंबर वाला पार्ट कहलाता है, और 2/3 क्या है, एक हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन है। गलती से इम्प्रॉपर लिख दिया था, ये क्या होगा, प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। देखो आप लोगों को दिख ही रहा होगा, 2/3, न्यूमिनेटर छोटा है डिनोमिनेटर बड़ा है, तो ये क्या है, एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है। आई होप आप लोगों को तीनों फ्रैक्शन समझ में आ गए होंगे। अगर आप लोगों को फ्रैक्शन में कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग 7th क्लास की प्लेलिस्ट आके देख सकते हैं। 7th क्लास की प्लेलिस्ट के अंदर मैं इन टॉपिक्स को पूरा अच्छे से डिटेल में समझाऊंगा, तो वहां जाके आप क्या कर सकते हो, पूरा फ्रैक्शन अगर आप लोगों को देखना है तो वहां जाके देख सकते हो। ये हमारा बेसिक था फ्रैक्शन का। बस यहाँ पे जो काम की चीज़ है वो ये है कि फ्रैक्शन हमेशा पॉजिटिव होते हैं। कितने टाइप के होते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन इम्प्रॉपर को मिक्स्ड में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए बस। अब हमारा जो मेन जो चैप्टर का नाम है रैशनल नंबर्स, वो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अभी लास्ट लेक्चर में और अभी तक जो हमने पढ़ा है उसमें केवल हमने बेसिक्स को सीखा है। अगर आप लोगों के बेसिक्स क्लियर हो गए होंगे तो आप लोग रैशनल नंबर्स को आसानी से समझ सकते हो। तो देखो रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, सिमिलरली जैसे फ्रैक्शंस को ए बाई बी टाइप से लिखा जाता है ना, तो जो रैशनल नंबर्स होते हैं इनको भी क्या किया जाता है, इसी तरीके से लिखा जाता है। बस हमने यहाँ पे इसको क्या बोल दिया, पी बाई क्यू। भाई यहाँ ए बाई बी यूज किया है तो यहाँ पे पी बाई क्यू यूज कर लिया, कोई जरूरी नहीं है पी बाई क्यू यूज करो। तो आप लोग क्या कर सकते हो, यहाँ पे इसको ए बाई बी भी बोल सकते हो, बस कंडीशंस बदल जाएगी। कंडीशंस क्या है, यहाँ इसको रीड कैसे किया जाता है कि एक तो पी बाई क्यू या पी अपॉन क्यू, साथ में यहाँ पे पी और क्यू क्या होने चाहिए, इंटीजर्स। अब देखो इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो समझ लो। यहाँ ए और बी क्या होने चाहिए थे, पॉजिटिव इंटीजर्स, और यहाँ पी और क्यू क्या होने चाहिए, इंटीजर्स। इंटीजर्स का मतलब है कि ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं और ये नेगेटिव भी हो सकते हैं। मैं पॉजिटिव को शॉर्ट में प्लस वी लिखता हूँ, पॉजिटिव का लास्ट का वी और प्लस लगा दिया यानी पॉजिटिव, और नेगेटिव यानी माइनस वी यानी नेगेटिव। तो ये जो है मतलब कि पी और क्यू, इसकी वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। तो जब रैशनल नंबर्स की में पी और क्यू है, इसकी वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकती है, तो हम बोल सकते हैं जो रैशनल नंबर्स है वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। यानी ये क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। आगे मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा पॉजिटिव कब होगा नेगेटिव कब होगा एक नोट के थ्रू। तो आई होप आप लोगों को रैशनल नंबर का सिंपल मतलब समझ में आ गया होगा। अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि भाई ये रैशनल नंबर है या नहीं है। तो आप लोगों को कुछ भी नहीं देखना, केवल ये देखना है कि अगर वो पी बाई क्यू की फॉर्म में है तो वो क्या होगा, रैशनल नंबर होगा, अदरवाइज रैशनल नंबर नहीं होगा। तो देखो 5/2 पी बाई क्यू की फॉर्म में दिख रहा होगा, -2/3 ये भी पी बाई क्यू की फॉर्म में है, 1/-4 ये भी क्या है, पी बाई क्यू की फॉर्म में है। अब यहां मैंने कुछ एग्जांपल्स और लिखे, तो क्या ये भी पी बाई क्यू की फॉर्म में है, तो इसको देखते हैं, देखो समझने की कोशिश करते हैं। ये कितना है 5, क्या हम 5 के नीचे 1 लगा सकते हैं, कोई फर्क पड़ेगा, क्योंकि नीचे तो 1 हो सकता है ना, नीचे 0 नहीं होगा। भाई हमारी कंडीशन क्या थी कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, न्यूमिनेटर तो 1 कुछ भी हो सकता है, डिनोमिनेटर 1 तो हो सकता है। तो क्या अब ये पी बाई क्यू की फॉर्म में बन गया, हाँ ये पी बाई क्यू की फॉर्म में बन गया। -3/1 0 के नीचे तो कुछ भी लगा दो, जैसे कि मान लो 5 लगा दिया, बस 0 नहीं होना चाहिए। फिर ये है 1.2, अब 1.2 क्या हो सकता है क्या, तो देखो यहाँ पॉइंट डेसिमल को हटाओगे तो नीचे कितना लग जाएगा 1, डेसिमल के आगे कितना डिजिट है, एक डिजिट है, तो 10 लग जाएगा। अब इसको मैं अच्छे से अभी थोड़ा समझाऊंगा, पहले इसको देख लो। तो यहाँ भी क्या हो रहा है, 1.523 है, तो पॉइंट हटेगा 1 लग के, उसके आगे 3 डिजिट है, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा 3। तो देखो ये और ये भी क्या हो गया, पी बाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। इस वाले एग्जाम्पल को मैं यहाँ नोट के रूप में समझा दूंगा, तो कन्फ्यूज मत होना कि ये क्यों नहीं समझाया, अभी मैं इसको आगे देख लूंगा।
इसको करने के बाद में हम पहले एक बार इन तीनों नोट को देख लेते हैं, उसके बाद में हमारा अगला टॉपिक पढ़ेंगे हम स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। तो देखो तीनों नोट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन बनाया जा सकता है एक नंबर में। और एक्चुअली ये जो क्वेश्चन है ना, पहला नंबर का जो पॉइंट लिखा हुआ है नोट, ये आप लोग जब नाइन्थ में जाओगे तो नाइन्थ क्लास का जो पहला चैप्टर है उसका पहला क्वेश्चन, जो मतलब पहले चैप्टर की एक्सरसाइज 1.1 है, उसका पहला क्वेश्चन ही यही है कि क्या इज जीरो ए रैशनल नंबर, क्या जीरो एक रैशनल नंबर होता है। अब अगर हमारे को समझना है कि जीरो रैशनल नंबर है या नहीं है, तो हमारे को क्या करना पड़ेगा कि हमें अगर जीरो, हमने अगर जीरो को पी बाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया तो हम बोलेंगे कि ये क्या है, एक रैशनल नंबर है, अदरवाइज नहीं है। तो देखो क्या जीरो को जीरो अपॉन टू लिख सकते हो, अभी भी आंसर कितना आएगा, जीरो ही आएगा। जीरो को हम जीरो अपॉन टेन भी लिख सकते हैं, जीरो अपॉन फाइव भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिखा जा सकता है भाई। न्यूमिरेटर में तो जीरो हो सकता है ना, डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए और डिनोमिनेटर यहाँ जीरो नहीं है। यानी कि हमने इसको क्या किया, जीरो को पी बाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। और अगर जीरो पी बाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है तो हम बोलेंगे जीरो क्या होता है, एक रैशनल नंबर होता है। मैंने शॉर्ट में लिखा आर एन मतलब रैशनल नंबर। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। तो कोई भी पूछे कि जीरो क्या रैशनल नंबर होता है, कि हाँ जीरो एक रैशनल नंबर होता है क्योंकि उसके डिनोमिनेटर में जीरो के अलावा कोई भी नंबर रख के हम पी बाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर अगला है ऑल इंटीजर्स आर ऑल्सो रैशनल नंबर। अभी हमने यहाँ देखा था, देखो 5-3 0 ये तीनों के तीनों क्या है, इंटीजर्स है। अब जब इंटीजर है तो इंटीजर के नीचे क्या कर सकते हो, सबके नीचे 1 लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 1 से डिवाइड करने पे वही रिजल्ट आता है। तो सभी इंटीजर्स के नीचे 1 लगा के उनको पी बाई क्यू की फॉर्म में क्या किया जा सकता है, कन्वर्ट किया जा सकता है। तो हम बोल सकते हैं जितने भी इंटीजर्स होते हैं वो सारे के सारे रैशनल नंबर्स होते हैं। लेकिन इसका उल्टा सही नहीं होगा, इसका रिवर्स करोगे तो जैसे सारे रैशनल नंबर इंटीजर्स होते हैं क्या, नहीं होंगे। जैसे कि 1/2 क्या है, एक रैशनल नंबर तो है लेकिन इंटीजर नहीं है, तो इसका उल्टा ट्रू नहीं होगा। तो आई होप आप लोगों को ये बात भी समझ में आ गई होगी। अब ध्यान से देखना, जब मैं इंटीजर बोल रहा हूँ ना तो नेचुरल नंबर और होल नंबर ऑलरेडी इसके अंदर इंक्लूड हो चुके हैं, क्योंकि इंटीजर्स में क्या होता है, 1, 2, 3, 4, 5 ये भी आता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये भी शामिल होता है। तो होल नंबर्स और नेचुरल नंबर अलग से बोलने की जरूरत नहीं है, हमने इंटीजर बोल दिया इसका मतलब हमारे होल नंबर और नेचुरल नंबर ऑलरेडी इसमें इंक्लूड हो गए। इसके साथ ही ये जो तीसरा पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या बोला है, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स एंड नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल्स आर ऑल्सो रैशनल नंबर्स। इसको भी मैं नेक्स्ट स्लाइड पे बताता हूँ आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन करके, ठीक है। इसको हम नेक्स्ट स्लाइड पे अच्छे से देखेंगे, ठीक है। तो ये हमारा इससे लिंक टॉपिक था, तो हम इस एग्जांपल को भी देखेंगे भाई ये पी बाई क्यू की फॉर्म में कैसे कन्वर्ट होगा। इसको क्या होगा, थोड़ा सा स्पेस चाहिए होगा अच्छे से समझाने के लिए, अभी यहाँ पे मेरे पास स्पेस नहीं है, तो मैं इसको अच्छे से नेक्स्ट स्लाइड पे बता दूंगा आप लोगों को। इसको समझने से पहले हम लोग एक टॉपिक समझ लेते हैं कि किसी भी रैशनल नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। भाई स्टैंडर्ड फॉर्म का क्या मतलब होता है, देखो यहाँ मैंने लिखा है पहले, उसको समझते हैं फिर एग्जांपल देखते हैं कि रैशनल नंबर आर इन स्टैंडर्ड फॉर्म, कोई भी रैशनल नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में कब कहलाता है, व्हेन पी एंड क्यू यानी कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर हैव नो कॉमन फैक्टर। नो कॉमन फैक्टर का मतलब क्या है, दोनों किसी सेम नंबर से डिवाइड नहीं होने चाहिए। अभी एक एग्जांपल से समझेंगे और अच्छे से। दूसरी चीज क्या है इसमें कि डिनोमिनेटर इज ए पॉजिटिव इंटीजर। मैं दो एग्जांपल समझाता हूँ, जैसे कि यहाँ पे लिखा मैंने 5/-10। अब यहाँ देखो ये भी 5 से डिविजिबल है, ये भी 5 से डिविजिबल है, दोनों अगर 5 से डिविजिबल हो रहे हैं तो हम बोलेंगे कि 5 इन दोनों का एक कॉमन फैक्टर है, इसका मतलब समझ में आ गया। इसके साथ ही इसका डिनोमिनेटर कितना है, माइनस का है, तो हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर को पॉजिटिव बनाना है, तब जाके वो किस फॉर्म में कन्वर्ट होगा, इंटीजर। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके इस 5 को डिवाइड कर सकते हैं 5 से, इस 10 को भी डिवाइड कर सकते हैं 5 से, और ये माइनस अभी चलाते हैं, इस माइनस को भी कुछ करेंगे। देखो अभी 1 ऊपर आ जाएगा, नीचे 2 आ जाएगा, ये माइनस का 2 है, लेकिन अभी भी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हुआ है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इस पूरे को माइनस के 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इससे होगा क्या, देखो माइनस 1 के से मल्टीप्लाई करने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि माइनस 1 से माइनस 1 वैसे भी डिवाइड हो जाएगा, लेकिन ऊपर क्या बन गया, 1 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 1। अब ये माइनस के 2 को माइनस 1 से करना है, तो 2 को 1 से करेंगे तो कितना आएगा, 2,
और माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होके क्या हो जाता है प्लस। तो अब ये वाला जो एग्जांपल, ये वाला जो रेशनल नंबर हमारा बना है, इसको देखो कि ये जो कंडीशन इसने बोली है सेटिस्फाई कर रहा है क्या। क्या वन और टू में कोई कॉमन फैक्टर है? कोई भी, वन के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। दूसरी चीज है जो डिनोमिनेटर है वो क्या है? पॉजिटिव है। तो हम बोल सकते हैं कि माइनस वन अपॉन टू जो रेशनल नंबर है वो किसमें कन्वर्ट हो गया? हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी। आगे की स्लाइड पे मैं एक दो एग्जांपल भी इसको इसके आप लोगों को समझाने वाला हूँ। इसके साथ ही एक लास्ट छोटा सा चीज और है, वो भी देख लो आप लोग, कि जैसे नेचुरल नंबर्स का जो पूरा सेट होता था, कलेक्शन होता था, उनको कैपिटल एन से डिनोट करते थे। होल नंबर के पूरे सेट को हम डब्ल्यू से डिनोट करते थे। इंटीजर का पूरा जो सेट होता था उसको हम आई या जेड से डिनोट करते थे। उसी तरीके से जो रेशनल नंबर्स होते हैं उसके सेट को हम कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं। बस आप लोगों को ये चीज़ ध्यान रखनी है। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। इस वाले नोट को और आने वाली स्लाइड पे हम लोग नेक्स्ट वाले टॉपिक्स और कुछ एग्जांपल्स सोल्व करते हैं। तो आप इसको नोट कर लीजिए। किस तरीके से नोट करना है? सबसे पहले फ्रैक्शन वाला पार्ट आप लोगों को नोट करना है पूरा। फ्रैक्शन वाला पार्ट नोट करने के बाद में रेशनल नंबर वाला पार्ट नोट करना है। रेशनल नंबर में ये एग्जांपल्स वगैरह सारे नोट कर लेने हैं। इसके बाद में आप लोगों को ये तीनों नोट नोट करने हैं। नोट में ये नोट करने के बाद में इसके नीचे थोड़ी सी जगह छोड़ देना आप लोग, जिससे कि इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा तो उसका जो भी कॉन्टेंट होगा वो आप यहाँ पे लिख लेना। और इसके बाद में आप लोग स्टैंडर्ड फॉर्म नोट कीजिए, जिसका एक एग्जांपल ये लिख सकते हो। साथ में हम आने वाली स्लाइड पे कुछ एग्जांपल्स और करेंगे इसके, तो वो भी नोट कर लेना। तो इसे आप नोट कर लीजिए। अब हम हमारा जो नोट नंबर थ्री था उसको एक बार समझ लेते हैं, उसके बाद में कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो देखो मैंने क्या लिखा है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल्स एंड नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल्स। अब पहले तो ये क्या होते हैं इसको समझते हैं, फिर रेशनल नंबर तो बाद में देखेंगे। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है कि आप लोगों ने किसी डेसिमल किसी नंबर को डिवाइड किया, और डिवाइड करने के बाद में डेसिमल के कुछ प्लेसेस के बाद में वो क्या होगा, स्टॉप हो गया। जैसे यहाँ क्या है, पॉइंट डेसिमल है, यहाँ डेसिमल के बाद में 5.2, यहाँ जाके क्या हो गया, ये रुक गया, यानी टर्मिनेट हो गया। तो ऐसे डेसिमल्स को क्या बोला जाता है? टर्मिनेटिंग डेसिमल बोला जाता है। अब यहाँ देखो डेसिमल में क्या हो रहा है, 1.33333 बार बार रिपीट हो रहा है। तो यहाँ क्या हो रहा है, एक तो रुक नहीं रहा, मतलब इसलिए कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग है। साथ में ये क्या हो रहा है, रिपीट भी हो रहा है। तो इसको लिखने का एक तरीका और होता है, इसको लिखा जाता है 1.3 बार। इसको क्या पढ़ा जाता है, बार, मतलब जो भी नंबर रिपीट हो रहा है उसके ऊपर हमने क्या लगा दिया, बार। इसका मतलब है तीन 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 डैश 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 चलता ही रहेगा। अब मैंने बोला कि ये नंबर क्या है, एक रेशनल नंबर है, और ये भी नंबर रेशनल नंबर है। तो इसको तो देखो समझ सकते हैं आसानी से, 1.52 है, पॉइंट हटा, नीचे 1 लग के 00 लग गया, यानी टर्मिनेटिंग वाला तो हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब ये वाला जो पार्ट है ना, आप लोगों के 9th क्लास में आता है। यहाँ केवल मैंने लिखवा दिया है, आप लोग इस नोट को ध्यान रखना, और मैं इस एग्जांपल को बताता हूँ ये एक्चुअल में है क्या। देखो आप लोग करके देखो, 4 में 3 से डिवाइड करके देखो, 4 3 1 3, माइनस करेंगे कितना आया, 1। अब 1 में तो 3 से डिवाइड होता नहीं है 1, तो हम क्या करेंगे, 0 नोट करेंगे। 0 नोट करेंगे तो यहाँ क्या लगाएंगे, डेसिमल। फिर 10 में कितने टाइम डिवाइड होगा, 3 टाइम, फिर 9 आया, फिर माइनस करेंगे 1। एक बार डेसिमल लगा दिया, अब 10 अपने मन से कभी भी लगाते रहो, फिर आया 3, फिर 9, फिर माइनस, फिर 1, फिर 3 आएगा, मतलब ये चलता ही रहेगा, कभी रुकेगा ही नहीं। यानी कि ये जो एक्चुअल में नंबर दिया हुआ था वो कितना था, 4/3, जो कि आप आसानी से समझ पा रहे होंगे कि ये किस फॉर्म में लिखा हुआ है, पी बाई क्यू, यानी कि 4/3 ही एक्चुअल में क्या लिखा हुआ था, ऐसे लिखा हुआ था। हम बोल सकते हैं कि ऐसा कोई नंबर होगा तो उसको पी बाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। कन्वर्ट करने के तरीके हैं, मैं जब 9th के लेक्चर्स डालूंगा, वीडियोज़ अपलोड करूंगा, तो उसके अंदर मैं ये पूरा टॉपिक कवर करूंगा। तो आप लोगों के लिए मैं उस टाइम पे किसी वीडियो में बता दूंगा कि आप ये वाला लेक्चर जाके देख सकते हो, इसको अगर समझना है पूरा, एक्सप्लेन करना है कि इसको इसमें कन्वर्ट कैसे करें। तो अभी तो हम सोच पा रहे हैं इसलिए हमने कर लिया, ठीक है। तो ऐसे कोई भी एग्जाम्पल्स अगर आप लोगों को दिखते हैं
जो कि क्या हो रहे हैं, जिसमें नंबर रिपीट हो रहा है, तो वो सारे के सारे नंबर्स क्या होंगे, रेशनल नंबर्स की फॉर्म में यानी पी बाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट किए जा सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। इसके बाद में हम पहले ये देख लेते हैं कि भाई पॉजिटिव रेशनल नंबर्स क्या होते हैं और नेगेटिव रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। तो देखो पॉजिटिव रेशनल नंबर कब होगा, जैसे कि अभी हमने देखा था कि पी बाई क्यू नंबर जो है, यहाँ पे पी और क्यू क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए और क्यू डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। अब ये पॉजिटिव कब होगा, पॉजिटिव होने के लिए कंडीशन ये है कि या तो पी और क्यू दोनों के दोनों क्या हो जाए, पॉजिटिव हो जाए, या पी और क्यू दोनों के दोनों क्या हो जाए, नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव से नेगेटिव कट जाएगा। मतलब कटने का मतलब होता है कि पूरा सोल होके भाई इस नेगेटिव को क्या मान सकते हो, माइनस वन, ये नेगेटिव यानी माइनस वन, माइनस वन से माइनस वन डिवाइड हो गया। तो अगर दोनों के साइन सेम है, यानी कि पी और क्यू अगर है बोथ है सेम साइन, बोथ है सेम साइन, अगर दोनों के सेम साइन है तो हम बोलेंगे कि जो रेशनल नंबर होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। नेगेटिव के लिए क्या कंडीशन है, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे 5/2 है, ये पॉजिटिव है, -2/-3 ये भी पॉजिटिव है, क्यों, क्योंकि माइनस से माइनस कट जाएगा, फाइनल आंसर कितना आएगा, 2/3। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब आगे हम देखते हैं नेगेटिव रेशनल नंबर क्या होता है। तो नेगेटिव रेशनल नंबर में क्या होगा, जैसे एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, या एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। ध्यान रखना पॉजिटिव मैं लिख रहा हूँ, वहाँ पे जरूरी नहीं है कि वहाँ पे +5 लिखा हुआ हो। जैसे यहाँ दोनों में देखोगे 5 और 2 में कोई प्लस नहीं लगाया, लेकिन जब जहाँ कुछ भी साइन नहीं होता वो किसका माना जाता है, पॉजिटिव माना जाता है। तो ये दोनों के दोनों क्या होंगे, नेगेटिव होंगे, ठीक है। तो जब हम बोलेंगे पी और क्यू बोथ हैव डिफरेंट साइन, अगर दोनों के साइन क्या है, डिफरेंट है, तो हम बोलेंगे कि वो क्या होंगे, नेगेटिव रेशनल नंबर्स होंगे। फॉर एग्जांपल जैसे कि -5/2 हो गया, या 3/-4 हो गया, एक्सेट्रा, ये क्या है, हमारे नेगेटिव रेशनल नंबर है। तो कभी पूछा जाए कि कोई भी रेशनल नंबर पॉजिटिव कब होगा, जब पी और क्यू यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम साइन के होंगे। नेगेटिव कब होगा, जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर डिफरेंट साइन के होंगे। आई होप ये टॉपिक भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम दो क्वेश्चंस करते हैं, दो क्वेश्चंस से पहले समझते हैं अभी तक हमने जो पढ़ा है वो, फिर नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स को पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो पहले ये वाला क्वेश्चन करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तुम्हारे को चार स्टेटमेंट दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा सही है ये हमारे को पता करना है। तो हम क्या करेंगे, अभी तक जितना भी पढ़ा है उन सभी नोट वगैरह को हम यहाँ पे अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। अगर जहाँ वो अप्लाई हो जाता है वो वाला ट्रू हो जाएगा, और जहाँ अप्लाई नहीं होता है वहाँ पे रॉन्ग होगा वो, ठीक है, फॉल्स होगा। तो एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर, अब उसने क्या बोला, जितने भी इंटीजर है वो होल नंबर होते हैं क्या। अब देखो समझने की कोशिश करो भाई, इंटीजर होते क्या है, -3 आगे तक चलते रहेंगे, इधर भी -1, 0, 1, 2, 3। होल नंबर क्या होते हैं, 0, 1, 2, 3। अब ये क्या बोल रहा है कि एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर, मतलब क्या सारे के सारे ये यहाँ आ रहे हैं क्या, आप लोग आसानी से समझ पा रहे होंगे, केवल इतने ही तो आ रहे हैं इधर, ये थोड़ी ना आ रहे हैं। तो हम बोलेंगे कि ये जो स्टेटमेंट उसने बोला है वो बिल्कुल रॉन्ग स्टेटमेंट है, ये चीज़ समझ में आ गई होगी आपके। फिर क्या बोला, एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर। अभी ये लास्ट स्लाइड पे मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ कि जैसे कि एक रेशनल नंबर है, जैसे मान लो कि 5/10, इसको सोल्व किया तो कितना आया, 1/2, क्योंकि ये भी 5 से 1 टाइम डिवाइड हो गया, ये 2 टाइम हो गया। ये रेशनल नंबर तो है, लेकिन क्या ये इंटीजर है, ये इंटीजर नहीं है। लेकिन वो क्या बोल रहा है कि जितने भी रेशनल नंबर होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं। ये देखो एक एग्जांपल से हमने इसको क्या कर दिया, गलत प्रूफ कर दिया, मतलब ये क्या बता रहा है, गलत बता रहा है। तीसरा स्टेटमेंट है, एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर। हाँ हम बोल सकते हैं जितने भी इंटीजर है वो सारे के सारे रेशनल होंगे, कैसे, जैसे -3, -2, -1, 0, 1, 2, ये --, सबके नीचे क्या लगा दो, 1 लगा दो, तो क्या सारे के सारे अब ये पी बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट हो गए, यानी कि जितने भी इंटीजर होते हैं वो सारे के सारे रेशनल नंबर होंगे, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। फोर्थ भी देख लेते हैं कि एवरी w मतलब होल नंबर इज ए रेशनल, वो नेचुरल नंबर, क्या सारे के सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर होते हैं, तो ये भी हम देखते हैं। देखो यहाँ नेचुरल नंबर भी लिख देता हूँ, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1, 2, 3, 4, ये नेचुरल नंबर्स होते हैं।
अब उसने क्या बोला है, सारे के सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर होते हैं, तो क्या ये सारे के सारे यहाँ आ रहे हैं? आप लोग अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि जीरो यहाँ नेचुरल नंबर्स में नहीं आ रहा, तो मतलब सारे के सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर भी नहीं होते। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है इसका, फॉल्स स्टेटमेंट है। तो हम बोलेंगे कि जो सी होगा ये हमारा सबसे ट्रू स्टेटमेंट होगा, यानी कि ये हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। इसी के साथ हम लोग एक स्टैंडर्ड फॉर्म के ऊपर भी क्वेश्चन कर लेते हैं, क्योंकि हमने लास्ट स्लाइड में भी पढ़ा था कि राइट द गिवन रेशनल नंबर इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। ये एक रेशनल नंबर गिवन है, इसको हमारे को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब पहले तो ये समझते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म है क्या। तो स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब है कि जब इन दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आए, यानी कि दोनों किसी भी सेम नंबर से डिवाइड ना हो, और साथ में इसका डिनोमिनेटर क्या हो, पॉजिटिव हो। तो सबसे पहला काम एक काम करते हैं, हम लोग डिनोमिनेटर को पॉजिटिव बना देते हैं। तो डिनोमिनेटर को पॉजिटिव कैसे बनाएं, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ऊपर भी माइनस वन से मल्टीप्लाई कर देते हैं, नीचे भी माइनस वन से मल्टीप्लाई कर देते हैं। माइनस वन से मल्टीप्लाई करने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि माइनस वन से माइनस वन फिर डिवाइड हो गया, जीरो हो गया, तो मतलब वन आ गया इसका आंसर। तो फिर 24 को माइनस वन से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 24, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 31 को 1 से, 36 को 1 से किया तो 36। ये हमने डिनोमिनेटर को तो पॉजिटिव बना लिया, लेकिन अभी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं बनी। तो अब देखो कि क्या कोई दोनों, ये दोनों न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर किसी सिंगल नंबर से, किसी एक नंबर से डिवाइड हो रहे हैं या नहीं हो रहे। तो अगर आप सोच पा रहे होंगे तो देखो, दो से भी सोच पा रहे होंगे, मैं डायरेक्ट बताता हूँ, ये 12 से भी डिविजिबल है और ये भी 12 से डिविजिबल है। तो हम क्या करेंगे, दोनों नंबर्स को 12 से डिवाइड कर देंगे। तो इसको 12 से डिवाइड करेंगे तो माइनस 2 आया, और इसको 12 से डिवाइड किया तो 3 आया। अब ये दोनों नंबर किसी भी सेम नंबर से डिवाइड नहीं होंगे, तो हम बोल सकते हैं जो माइनस 2/3 आई है, यही हमारी क्या होगी, इस वाले क्वेश्चन की स्टैंडर्ड फॉर्म होगी। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। इसे भी आप नोट कर लीजिए, अगले स्लाइड पे हम लोग इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स और उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स। अभी इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, इसको समझने से पहले एक एग्जांपल को समझते हैं। तो देखो, हमारे पास दो आदमी हैं, ए और बी, ठीक है, कोई भी दो जने हो सकते हैं, ए बी, और एक चपाती है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, पिज्जा हो सकता है या फिर चपाती है, कोई भी चीज़ हो सकती है। हमें क्या करना है, इन दोनों के अंदर बंटवारा करना है, ठीक है, दोनों को बांटना है कि भाई दोनों को बराबर बराबर मिलना चाहिए। तो इस बंटवारा करने का मैंने तीन तरीके निकाले। तीन तरीके क्या हो सकते हैं, मैंने क्या किया, इस चपाती के दो इक्वल पार्ट्स किए, दो इक्वल पार्ट में से एक पार्ट इसको दे दिया और एक पार्ट इसको दे दिया। ये फ्रैक्शन को लिखने का तरीका है, ये आप लोगों ने 5th, 6th, 7th क्लास में पढ़ा होगा कि भाई पिक्चर की फॉर्म से फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। फिर मेरा मन किया, नहीं, इसको एक काम करते हैं, दो टुकड़े नहीं करते हैं, चार टुकड़े कर देते हैं इसके, और चार पार्ट्स करके चार में से दो पार्ट इसको दे देते हैं और चार में से दो पार्ट इसको दे देते हैं। फिर नहीं यार, मज़ा नहीं आया अभी, फिर एक काम करते हैं कि आठ पार्ट कर लेते हैं, और आठ पार्ट करके आठ में से चार पार्ट इसको दे देते हैं और आठ में से चार पार्ट्स इसको दे देते हैं। मैंने तीन तरीके से बंटवारा किया, ठीक है। अब लास्ट में मैं, आप लोग अच्छे से ध्यान से देखोगे तो आप लोग ये चीज़ नोटिस करोगे कि मैं कैसे भी करूँ टुकड़े, ऐसा करके बंटवारा करूँ, ऐसा करके करूँ या ऐसा करके करूँ, यहाँ आप चीज़ नोटिस करोगे कि तीनों बार में उसको आधी आधी चपाती तो मिली है, अभी भी आधी चपाती मिली है, अभी भी आधी चपाती है। यानी कि मैं अगर उसको 1/2 दूँ या फिर 2/4 दूँ या फिर 4/8 दूँ, क्या ये तीनों के तीनों बराबर नहीं है, तीनों आधे आधे ही तो है। यानी कि यहाँ जो ये तीनों मैंने लिखे हैं ना आप लोगों के लिए, रेशनल नंबर्स टाइप या फ्रैक्शन समझ सकते हो, पॉजिटिव है इसलिए, ये एक्चुअल में है क्या, ये तीनों के तीनों कहलाते हैं हमारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस या फिर रेशनल नंबर्स। आई होप आप लोगों को इसका मतलब समझ में आ गया होगा। इक्विवेलेंट का मतलब होता है जितने भी रेशनल नंबर होंगे वो आपस में बराबर होंगे, ठीक है। अब ये चीज़ समझो कि भाई इससे ये कैसे बनाए, तो अगर इसके न्यूमिनेटर को और डिनोमिनेटर को हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, तो देखो 1 को 2 से और 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा,
टू बाई फोर बन गया। फिर इससे ये बनाएं तो कैसे बनाएं कि फिर वही है, या हम इससे डायरेक्ट क्या बना सकते हैं ये, तो इससे डायरेक्ट ये कैसे बनेगा, तो दोनों को क्या करो, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों को चार से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये चार हो गया, ये आठ हो गया। यानी हमें ये चीज़ समझ में आती है कि अगर किसी भी फ्रैक्शन या रैशनल नंबर के न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करें तो एक नया रैशनल नंबर या फ्रैक्शन मिलेगा। तो जो नया फ्रैक्शन या रैशनल नंबर मिलेगा वो इसके क्या होगा, इक्विवेलेंट ही होगा। ये चीज़ आप लोगों के अच्छे से क्लियर होगी। अब इसी को हमने एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया, तो क्या है, जैसे कि पी बाई क्यू हमारा एक रैशनल नंबर है, ठीक है। कंडीशन आप लोगों को पता होनी चाहिए कि p और q इंटीजर होने चाहिए और q डिनोमिनेटर यानी जीरो नहीं होना चाहिए। अगर हम इसको किसी m नंबर से, m कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4, ठीक है, कुछ भी, लेकिन ध्यान रखना m जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो वह सबको क्या कर देगा, जीरो कर देगा। तो एक नया रैशनल नंबर मिलेगा, इसको मल्टीप्लाई करने पे जो रिजल्ट आएगा वो, या किसी n नंबर से हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया दोनों को, न्यूमिनेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी, ठीक है। तो जो एक नया रैशनल नंबर मिलेगा, इनका जो रिजल्ट, वो इसके क्या होगा, इक्विवेलेंट ही होगा। यहाँ पे ध्यान रखना m और n जीरो नहीं होना चाहिए। सिमिलरली अगर हम ये क्या करें भाई, जो इससे ये बनाना हो तो हम क्या करें, 4/8, न्यूमिनेटर को भी 8 से 4 से डिवाइड कर दो और इसको भी 4 से डिवाइड कर दो, तो ये 1 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। मतलब अगर हम न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को दोनों को सेम नंबर से डिवाइड करें, और सेम नंबर क्या होना चाहिए, नॉन जीरो, यानी जीरो नहीं होना चाहिए, तो जो नया हमारे को क्या मिलेगा, रैशनल नंबर मिलेगा, वो रैशनल नंबर भी इसके क्या होगा, इक्विवेलेंट ही होगा। आई होप ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई होगी, एक एग्जाम्पल से और अच्छे से इसको समझते हैं। तो देखो, ये हमारे को 5/10 एक रैशनल नंबर दिया हुआ है, इस रैशनल नंबर के इक्विवेलेंट हमारे को तीन रैशनल नंबर फाइंड करने। तो देखो, अगर मैं इसके न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर को दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, सेम नंबर से कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, क्यों, क्योंकि 2 से 2 वापस डिवाइड हो गया है, तो कितना बचा, 5/10। लेकिन मल्टीप्लाई करने पे 5 2 10 हो गया, 10 2 20 हो गया, जो एक नया रैशनल नंबर मिल गया। फिर हम दोनों को सेम तीन नंबर से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो कितना हो गया, 5 3 15, 10 3 30। हमने क्या देखा है अभी कि दोनों को सेम नंबर से डिवाइड भी कर सकते हैं अगर हो रहा है। तो देखो, 5 5 से डिवाइड हो रहा है, 10 भी 5 से डिवाइड हो रहा है, तो ये कितना होगा, ये 1 time डिवाइड हो गया, 2 time, तो एक नया और रैशनल नंबर मिल गया। तो हमारे पास अब 4 रैशनल नंबर, ये हमारा ओरिजिनल रैशनल नंबर था, ये और ये रैशनल नंबर हमने इनको सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करके ऑब्टेंड किए, यानी कि प्राप्त किए। तो अब ये जो चारों के चारों रैशनल नंबर है ना, ये चारों के चारों रैशनल नंबर क्या कहलाएंगे, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स कहलाएंगे। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। इसके बाद में हम यहाँ एक और एग्जांपल करते हैं। तो देखो, दो एग्जांपल्स को भी सोल्व कर लेते हैं, इन क्वेश्चंस को। क्या बोला है, इसके इक्विवेलेंट हमारे को, इन दोनों रैशनल नंबर्स के इक्विवेलेंट, तीन तीन इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स फाइंड करने। तो सबसे पहला वाला पिक करते हैं हम, जैसे 12/15। तो एक तो क्या कर सकते हो, दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आएगा, 24/30। फिर एक काम कर सकते हो, दोनों को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आ जाएगा, 36/45। और अगर किसी से डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड भी कर सकते हो। तो देखो, मुझे दिख रहा है ये भी 3 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 3 से डिवाइड हो रहा है, तो ये 4 बार डिवाइड होगा, ये 5 बार। तो हमने तीन क्या किए, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स फाइंड कर लिए। आई होप ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई होगी। एक ये वाला नंबर भी हम देख लेते हैं। तो देखो, यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, -5/7 है, दोनों को पहले 2 से मल्टीप्लाई कर लो, तो ऊपर हो गया माइनस का 10, नीचे हो गया 14। फिर दोनों को क्या कर लो, 3 से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, तो ये क्या हो गया, -15 और 21। फिर चाहो तो, अब देखो ये दोनों किसी से डिवाइड नहीं हो रहे, तो हम डिवाइड नहीं कर सकते इसको, तो क्या कर सकते हो, किसी और से मल्टीप्लाई कर लो, जैसे 5 से करके देख लो, तो एक नया मिलेगा, -25/35। तो ये जो तीनों रैशनल नंबर्स हमें मिले हैं, ये तीनों के तीनों रैशनल नंबर्स क्या होंगे, इस वाले रैशनल नंबर के इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स होंगे। आई होप ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई होगी, ये भी आप लोग नोट कर लीजिए। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।
अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई टॉपिक समझ में नहीं आया है, कोई एग्जांपल समझ में नहीं आया है, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर अभी तक आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे कि आगे आने वाले हमारे जितने भी लेक्चर्स होंगे उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।